नमस्कार साथियों, आज का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, स्टार्ट होने जा रहा है और सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, या फिर किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में ये चैप्टर पूछा ही पूछा जाता है। तो आज के इस चैप्टर में आपने जो है हर प्रकार के सवालों को करना है, और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर का जो है एनालिसिस और आपको संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज का ये चैप्टर उसी बेस पर कराया जा रहा है जैसा कि कंपटीशन में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि इसका बेस क्या बनेगा, आधार क्या बनेगा, कि इसमें कार्य और समय में किस तरीके से हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं चीजों को, उस पर बात करनी है सबसे पहले। तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो चैप्टर है वो कार्य और समय है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लो कोई ए व्यक्ति है और वो कार्य करता है 5 दिन में, बी काम करता है 10 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो अगर पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क के बराबर होगा। इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है वही टोटल वर्क के बराबर होता है। और ये दे रखे हैं कि दिन 5 और 10, ये दिनों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर जो एलसीएम आता है टोटल वर्क आ जाएगा, और एलसीएम को अगर इन नंबर से काटेंगे तो इधर जो बनेगी वो क्षमता बनेगी, वो बन जाएगी क्षमता। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि कोई एक व्यक्ति ए दिन में कर सकता है, कोई बी दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम ए बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ए से ए बी को काटेंगे तो बी बनेगा, और यहाँ पर ए बनेगा। तो आप कहेंगे कि ये जो शुरुआत में दे रखे थे यही आपके क्या थे, दिन थे, और बीच में आ जाएगा उसे वर्क कहेंगे, और बाद में आएगा इनको हम क्षमता कहेंगे। तो देखिए, कोई भी वर्क कार्य करना है, और कार्य है ए बी, इस कार्य को इस क्षमता से कराना है अर्थात दोनों से कराना है, तो बटे में ए प्लस बी। तो ए बी द्वारा किया गया काम ए बी बटे ए प्लस बी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इसको किया जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ टोटल वर्क कितना बनेगा, अगर हम दोनों का एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे तो दोनों का वर्क 10 बनेगा। ऐसे ही 5 दूनी 10 बनेगा, 10 एकम 10 बनेगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क करना है वो 10 करना है, और क्षमता कितनी रखनी है, 2 और 1 3 की क्षमता रखनी, दोनों से मिला के काम करवाना है 3 की क्षमता से, तो बटे में 3 जाएगा। तो 10/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने दिन में दोनों काम करेंगे, वो दोनों काम करेंगे 10/3 दिन में। चलिए, यहाँ पे आपने जो समझा है उसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर एक सवाल देखने का प्रयास करते हैं जो क्या है कि ए बी सी किसी काम को करते हैं 10, 20, 30 दिन में, 10, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, पूछा जा रहा है तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो आपको देखना यह है कि यहाँ पर ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ये तीनों व्यक्ति जो काम करते हैं वो ए करता है 20 दिन में, दूसरा 30 में, और तीसरा 40 में। यहाँ पर इन सबका एलसीएम जो आएगा वो 120 आ जाएगा। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, और 4 तिया 12। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 6 4 10 3 13। अगर इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे तो 13 होने। यहाँ काम जो वर्क कराना है वो कितना कराना है, काम करना है 120, और इसकी क्षमता कितनी रखनी है, 3
तीनों को मिला के क्षमता 13 रखनी, तो 120 बटे 13 दिन लग जाएंगे इसको हमको करने में, अगर वो तीनों एक साथ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ करेंगे, कैन ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर सकते हैं 120 बटे 3 दिन में। तो यहाँ पर बात करें अगर तीनों व्यक्तियों के करने की, तो तीनों की क्षमताएं एक साथ रखी जाएंगी, 120 बटा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रकार का एक सवाल है अगले, इसको देखिए कितना हो जाएगा। इस कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और आप बता देंगे कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम जो होगा उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 48। तो 12 चौक 48, 16 तीन 48। तो यहाँ पर आपने जो बीच में लिखा है यही टोटल वर्क हो जाता है, कार्य हो जाता है, ये दोनों जो है इफिशियंसी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों यानी ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे ऐसा बोला गया है, ए प्लस बी मिलके करेंगे टोटल वर्क और बटे में क्षमता। तो वर्क कितना करना है 48, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 4 और 3 7, दोनों की क्षमताएं रखेंगे 7 रख जाएंगे, तो यहाँ 48/7 हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे हो जाएगा। और आपने देखा है कि आप इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम को कार्य के बराबर मान रहे हैं, एलसीएम को ही कार्य के बराबर मान लिया जाता है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पर बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे दे रखा है कि दो व्यक्ति दे रखे हैं ए और बी, एक किसी काम को क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे दोनों को करने की, तो दोनों कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए, ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 30 दिन, तो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 20 तीन 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60 आ जाएगा। यहाँ बात करें अगर टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क आपका 60 है और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ऐसा बोला गया है, तो 60 वर्क करना है, स्पीड रखनी है 3 और 2 5, तो यहाँ काटेंगे तो 12 5 60, तो 12 दिन में ये दोनों काम कर पाएंगे और ये सही हो। तो यहाँ बात कर रहे हैं एलसीएम लेने के बाद वर्क बनता है, कार्य बनता है, और यहाँ पर ये बाद में जो लिखी होती है इन्हीं को इफिशियंसी यानी क्षमता कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पर जो क्षमता बनेगी वो 3 और 2 बनेगी, तथा 5 की क्षमता से किया गया काम 12 दिन में। अब बात करें अगले वाले टॉपिक की, किसमें कि कोई व्यक्ति अगर काम छोड़कर चला जाता है 3 दिन बाद, मानो काम छोड़ के चला गया वो, तो यहाँ पर बात करें काम कितने दिन में होगा। तो दे रखा है आपके सामने दो मजदूर ए और बी 15 दिन 18 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर ए काम छोड़कर चला जाता है, तो छोड़कर जाने वाले सवालों में किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को लगाते हैं उसको देख कर चलेंगे। तो यहाँ पर बात करने हैं कि ए और बी अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि दोनों ने शुरू में काम एक साथ किया था, बीच में वो व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, तो जो बचा हुआ काम होगा वो जो व्यक्ति लगा हुआ है वही उस काम को करेगा। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे कि ए किसी काम को कर सकता था 15 दिन में और बी किसी काम को कर सकता था 18 दिन में, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया होगा, तो बताइए इनके एलसीएम के बराबर ही काम हुआ होगा। दोनों ने काम शुरू किया होगा तो इनके एलसीएम के बराबर ही काम हुआ होगा, और काम जो हुआ होगा
वो 90, 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90, यानी यहाँ पर छह क्षमता हो जाएगी, 18 पंजे 90 पांच क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति शुरू से लगा हुआ था, देखिए ए और बी शुरुआत से लगे रहे और बीच में 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, लेकिन बी तो अब भी लगा हुआ है, तो बी ने शुरू से आखिर तक काम किया होगा। बी ने शुरू से आखिर तक काम किया होगा क्योंकि बी शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम ए के छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो काम छोड़ के चला गया 3 दिन बाद, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। यहाँ बाद से बहुत अच्छे से याद रख लो कि बाद वाली कंडीशन में क्या लगाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति 2-3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है तब क्या लगाएंगे। अगर वो व्यक्ति 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है तो 3 दिन में 6 की स्पीड से 6 × 3 = 18 ही काम किया होगा उसने। कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा भाई, 3 दिन में 6 की स्पीड से 18 काम किया होगा। तो जो व्यक्ति चला जाए उसका उसको जो व्यक्ति चला जाए उसका काम हम टोटल काम में से घटा देते हैं, तो टोटल वर्क 90 था, 18 काम हमारा निकाल दीजिए। 18 वर्क अगर निकाल देंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 1 गया, यहाँ 72 बचेगा। कितना बचेगा? 72 बचेगा। अगर 72 काम बचा हुआ है और इसको करेगा कौन? इसको करेगा वी। तो आप जिसका काम अगर निकाल देते हैं तो उसकी क्षमता भी हटा देते हैं, उसकी क्षमता नहीं लगाएंगे। तो लेकिन जो आएंगे वो आपके कुल दिन ही निकल कर आएंगे, कुल कितने दिन लगेंगे वही निकल कर आएगा। तो यहाँ बात करें कि कुल दिन कितने लगेंगे, तो 72, और यहाँ पर क्षमता वी की लगाएंगे, 72/5 दिन लगेंगे। ये टोटल दिन लगेंगे, कुल दिन लगेंगे कितने? कुल दिन लगेंगे कितने? 72/5 दिन। देखिए, इनको आप ऐसा मत समझें कि यहाँ शेष वाला दिन लगाया है और शेष व्यक्ति की क्षमता लगाइए तो ये शेष काम को करने में दिन आएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि बी की क्षमता 5 है और वो शुरू से आखिर तक लगा रहा है, तो बी की क्षमता 5 है और वो शुरू से आखिर तक लगा रहा है तो यहाँ तक उसका टोटल दिन आएंगे। कुल दिन में काम कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो यहाँ पर 14/5 = 70, यानी 14 सहित 2/5 दिन लग जाएंगे, इतना कुल दिन लगेगा। अगर तुम पूछा जाए कि बी ने शेष काम कितने दिन में किया होगा, तो देखो यहाँ से 3 दिन घटा दो तो बी ने शेष काम किया होगा, शेष काम कितने दिन में किया होगा? तो 14 सहित 2/5 में से कितने दिन पहले छोड़ के चला गया? 3 दिन। 3 दिन घटा दो तो 11 सहित 2/5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शेष काम को करने में बी को कितना टाइम लगा। तो आपने देखा है कि यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ कुल दिन ही निकल कर आते हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कभी भी शेष दिन का कॉन्सेप्ट मत लगा देना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगले में क्या दे रखा है? ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए और 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कितने दिन में, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा? यहाँ पर भी संपूर्ण पूछ रहा है, संपूर्ण कार्य कुल कितने दिन में होगा यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि इनमें आप क्या निकालें, कि टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क जो निकलता है वो एलसीएम के बराबर होता, टोटल वर्क जो निकलता है वो एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो ए बी और सी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले तो इनके दिन लिखिए। तो कह रहा है कि ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और यहाँ पर सी जो है
वो 40 दिन में कर, तो इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क बन जाएगा, और एलसीएम मान लो 120 ले लिया तो टोटल वर्क भी 120 बनेगा। तो अगर 120 कार्य है और इसको ए से करवाना है तो दो से काट लेंगे, दो छंग 12 जीरो से जीरो कट जाए, 3 चौक 12 कट जाएगा और यहाँ 4 3 12। इस प्रकार इनकी क्षमताएं अलग अलग बन जाएंगी। जैसे इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ए की क्षमता 6 बनेगी, बी की क्षमता 4 बनेगी और सी की क्षमता 3 बनेगी। ठीक है, तो आपने टोटल वर्क निकाल लिया और इनकी इफिशियंसी निकाल ली। जैसे ही आपको इनकी क्षमताओं में पता लग गया इनकी क्षमताओं का मान, वैसे ही आपको एक काम करना है, देखना है कौन कितने दिन पहले गया। तो 3 दिन बाद गया है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट बाद के लिए लगाए जाएंगे, क्योंकि ए गया है 3 दिन बाद, बी गया है 4 दिन बाद, तो यहाँ पर ए का 3 दिन का कार्य और बी का 4 दिन का कार्य पर निकाल लिया जाएगा। अगर ए की कैपेसिटी 6 है, ए की क्षमता 6 है, तो उसने 3 दिन में कितना काम किया होगा भाई? तो अगर हम बात करें ए की, तो इसने 6 की स्पीड से 3 दिन में 6 × 3 = 18 काम किया होगा। यहाँ पर 6 की स्पीड से 3 दिन में 18 वर्क हुआ होगा, वहीं पर बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, तो बी की 4 की स्पीड से 4 दिन में 16 काम किया। तो यहाँ पर जो हो चुका है वो टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ आप कहेंगे कि 8 और 6 = 14 और यहाँ 1 और 1 = 2 और 1 = 3, टोटल वर्क जो हो चुका है वो 34 हो चुका है। टोटल वर्क 34 हो चुका है और यहाँ पर जो कुल कार्य था वो 120 था और 34 ए और बी ने किया है 3 दिन में और 4 दिन में, 3 दिन में और 4 दिन में किया है। तो यहाँ पर अगर हम इस टोटल वर्क में से इन दोनों का कार्य घटा दें, यानी 34 कार्य घटा दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ 10 में से 4 गया 6 बचेगा और यहाँ पर 11 में से 3 गया 8 बचेगा। तो यहाँ पर काम अब भी 86 बचा हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ व्यक्ति है वही कार्य करेगा अब इसको। तो बचा हुआ व्यक्ति कौन है भाई? सी बचा हुआ है। तो इसमें सी द्वारा मतलब संपूर्ण कितना दिन लगेगा? संपूर्ण दिन, कुल दिन जो लगेंगे वो कितने लगेंगे? तो बचा हुआ कार्य कितना बचा है भाई? 86। और करने वाला कौन है? तो वो शुरुआत से आखिर तक भी लगा रहा था, तो सी 3 की। तो यहाँ पर अगर काटेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 8 = 24 और 2/3, ये टोटल दिन आ जाए। तो याद रखिएगा कि जो व्यक्तियों का कार्य निकाल दिया जाता है उनकी क्षमताओं को भी हम ऐड नहीं करते हैं, तो उनकी क्षमताएं भी हम उसमें नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आएगा वही संपूर्ण दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो आएंगे वही संपूर्ण दिन आ जाएंगे। लेकिन पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को अगर पूछा जाए कि शेष कार्य को, बचे हुए काम को सी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से हम कौन सा 3 दिन पहले के 4 दिन बाद ये छोड़ के गया, तो 4 दिन घटा देंगे, वहां से कितना हो जाएगा? 24 सही, 2/3। यहाँ अगले सवाल की बात करते हैं और इसमें दोनों बातें पूछी, इसमें दोनों बातें पूछी गई हैं। एक बात तो यही कह रहा है कि संपूर्ण दिन बता दीजिए, और दूसरा कह रहा है शेष बचे काम को बी कितने दिन में करता है। तो यहाँ बात करेंगे, अगर एक बी की बात करें तो ये 20 और 24 दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है 20 दिन में और बी करेगा यहाँ 24 दिन। तो एलसीएम इनका लेंगे तो टोटल वर्क यानी 120 दिन में हो, 120 कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? तो 2 × 12 = 6 हो जाएगा, यहाँ
चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। तो यहाँ बात कर रहा है कि 5 दिन बाद एक आम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो गया हुआ व्यक्ति है वो कौन है? तो वो 5 दिन बाद ए है। ए ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? तो 5 छक्का 30। उसने 6 की स्पीड से, 6 की क्षमता से 5 दिन में 6 पंजे 30 काम किया। अगर हम 30 काम इसका निकाल भी दें तो यहाँ पर बचेगा 0 और 9, 90। अब 90 जो बचा हुआ है, जिसकी क्षमता निकाल दी, जिसका कार्य निकाल दिया है, उसकी क्षमता भी काउंट मत करो, लेकिन टोटल टाइम जरूर आएगा। यहाँ पर टोटल टाइम जो आएगा वो कितना, कुल समय आ जाएगा। तो यहाँ बचा हुआ काम 90 है। अच्छा, ये जो 5 स्पीड थी वी की, वो शुरू से आखिर तक लगा रहा, तो 5 से काटेंगे 18 पंजे 90। तो 18 दिन संपूर्ण दिन लग जाएंगे। 18 की बात करेंगे तो ये संपूर्ण दिन आ जाएंगे। यहाँ पर 18 जो आएगा वो संपूर्ण दिन तेज का माना जाएगा, यानी टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है, एक तो सवाल का उत्तर यही हो जाएगा कि कुल कितने दिन लगेंगे, तो उसमें कुल दिन में 18 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है शेष बचे कार्य को बी ने कितने दिन में किया होगा, तो यहाँ पर ये पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शेष बचे काम को बी ने किया होगा, शेष बचे कार्य को बी ने किया कितने दिन में किया होगा, कि 18 दिन तो टोटली लग रहे थे लेकिन 5 दिन बाद वो छोड़ के चला गया था, तो यही 5 दिन बाद में घटा दीजिए, 18 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 13 दिन बचे। तो 13 दिन जो बचेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, शेष बचे कार्य को बी करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझ में आ रही थी कि टोटल टाइम भी निकाल सकते हो और शेष बचे काम दिन कितने लगेंगे उसका मान निकाल सकते थे। तो यहाँ दोनों बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी किसी काम को 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है, ठीक है भाई। संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये बताना है आपको। तो देखिए भाई, यहाँ पर कितना दिन आ जाएगा, यहाँ बात कर रहा है पहले की, यहाँ पर कह रहा है 10 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ या तो बाद के लिए सवाल आएगा या काम समाप्त होने के इतने दिन पहले काम छोड़ के चला। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार करना है। तो ए किसी काम को कर सकता था भाई 40 दिन में, वहीं वी की बात कर रहे हैं तो ये 60 दिन में कर सकता। तो इन दोनों का एलसीएम 120 के बराबर आ जाएगा, जैसे 4 3 12, 6 2 12। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि ए काम समाप्त होने के 10 दिन पहले ही काम छोड़, तो ऐसी कंडीशन में पिछली बार बाद के लिए था तो हम कार्य को घटा देते थे, यहाँ पर वो पहले छोड़ देता है और 3 की क्षमता से 10 दिन में उसे 30 काम करना है। कितना काम करना है? 30 काम। तो देखो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति पहले काम छोड़ के जाता है उसका काम हम टोटल वर्क में जोड़ देना है। देखो अगर ये पहले के लिए है तो इसका टोटल वर्क आपको जोड़ देना है, जो टोटल वर्क है 120 उस मान लिया जाए, इसको हमें जो पहले काम छोड़ के जाएगा उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसका काम और उसकी क्षमता को हम रोक के रखेंगे, ठीक है। तो उसका काम भी रोक लीजिए और उसकी क्षमता भी रोक लीजिए। तो वर्क 30 है तो 30 का रोक लेंगे तो यहाँ पर टोटल काम 150 हो जाए,
अब देखिए आपको पूछा जा रहा है कुल दिन कितने लगेंगे, कुल कितने दिन लगेंगे ये पूछ रहा है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 150, और क्षमता देखिए जिसका काम रोक लिया है तो उसकी क्षमता भी आपको रोकनी पड़ेगी। तो जिसका काम आपने जोड़ लिया है उसकी क्षमता भी जोड़नी पड़ेगी। तो क्षमता अब देखो 3 और 2 कितनी हो जाएगी भाई, तो यहाँ पर क्षमता का मान जो आएगा वो 5 आ जाएगा। तो 5 3 15 यानी 30 दिन इसका सही उत्तर आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 30 दिन। तो संपूर्ण जो दिन लग जाएंगे वो 30 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर बात इस प्रकार करनी है कि जो जो पहले का सवाल होगा, पहले वाले में हमें जो कार्य होगा, जैसे 10 दिन पहले काम छोड़ देता, 3 की स्पीड से 30 काम होगा, तो उसका काम अगर कोई पहले काम छोड़ के जाता है तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा, और उसका काम जो है हम टोटल वर्क में जोड़ देंगे। जब उसका कार्य जोड़ दिया है तो उसकी क्षमता भी जोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ उसकी क्षमता भी जोड़ देंगे। और क्षमता जोड़ दी है चूंकि आपने, तो यहाँ पर दोनों की क्षमताएं 5 हो जाएंगी, तो आप कहेंगे कि 30 दिन में जाएगा। तो ये तो पहले वाला सवाल था। अब बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। कह रहा है एबीसी 20, 24 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं 4 दिन बाद ए, और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए भाई, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये मान निकालना है आपको। तो बताइए भाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम किसके बराबर होगा वो बताइए भाई। तो यहाँ पर भी टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे 3 मजदूर एबीसी थे, तो ए किसी काम को कर सकता था भाई 20 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन, सी कर सकता है 30 दिन। एलसीएम 120 ले लें, तो 2 क्षमता वाले का मान कितना हो? 2 × 12 और 24 × 5 = 120, यहाँ पर 3 × 12 हो जाए। अब देखिए बाद वाली कंडीशन क्या कहती है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो? इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया गया है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट ऐड हो गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ कि भाई कौन ए गया है 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक 6 की स्पीड से 6 × 24 काम किया होगा। कितना काम किया होगा भाई? 6 × 24 काम किया होगा। वही 5 दिन पहले भी गया होगा। अच्छा, बाद वाली कंडीशन में क्या करते हैं? बाद वाली कंडीशन में काम को घटा दिया जाता है। बाद वाली कंडीशन में देखो ये गया है बाद में, तो बाद में काम को घटा दिया जाता है। और वहीं बी की बात करें तो ये 5 दिन पहले की बात कर रहा है, तो 5 × 5 = 25, और 25 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले गया है और पहले की कंडीशन में कार्य को जोड़ दिया जाता है। तो 24 घटाना है, 25 जोड़ना है, ओवरऑल कितना जुड़ घट जाएगा? देखो 25 प्लस का, 24 माइनस का, तो 25 से 24 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। तो टोटल वर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा? टोटल वर्क पे जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1 की वृद्धि, चूंकि 1 प्लस का रह जाएगा तो 1 की वृद्धि यानी काम कितना रह जाएगा? 121। तो वर्क जो बचेगा वो कितना बचेगा? वो 121 बचेगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना यह है कि निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम जो फाइंड करेंगे तो वही वर्क बटे इफिशियंसी रखेंगे, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना बनेगा? 121। क्षमता देखिए, जिसका काम घटा दिया जाता है उसकी क्षमता भी काउंट नहीं करी जाती है,
और जिसका काम लिया जाता है प्लस किया जाता है उसकी क्षमता को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्षमता रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी, वो बी और सी की रखी जाएगी, क्योंकि बी और सी का ही काम हमने काउंट किया है, शामिल किया। तो बताओ भाई यहाँ पर पांच और चार कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। तो यहाँ टोटल टाइम भी कितना लग जाएगा, 121 बटे 9 दिन लग जाएंगे। तो ये आपको समझना था कि यहाँ जिसकी क्षमता को काउंट करेंगे उसके कार्य को भी काउंट करना पड़ेगा, और जिसका कार्य काउंट किया जाएगा उसका हम क्षमता नीचे लिखकर तभी आप डिवाइड करेंगे। इस प्रकार आपका आंसर कितना आएगा, 121 बटे 9। ये संपूर्ण टाइम लग जाएगा, टोटल टाइम लग जाएगा 121 बटे 9 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो वैल्यू आता है वो आपने छोड़कर कोई काम चला जाता है उसके लिए देख लिया, और कोई कितने दिन बाद काम छोड़ के जाता है उसके लिए देख लिया, या फिर कोई पहले काम छोड़ के जाता है उसके लिए देख लिया। तो ये आपको तीन टाइप के सवाल ही देखने को मिलते हैं इसमें, या तो कोई पहले के लिए, या कोई बाद के लिए, या फिर उसके लिए कि हाँ जो है कोई व्यक्ति पहले और बाद एक ही सवाल में दोनों दे रखा हो। यहाँ पर अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका कौन सा, क्षमता, जिसमें आपकी क्षमताएं दे रखी होती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इफिशियंसी से रिलेटेड है, यानी क्षमता वाले प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो क्षमता वाले प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाता है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो वैल्यू दे रखा है, ये तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी क्षमताओं में 3, 4, 5 का अनुपात है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक बात समझनी है कि क्षमता का जो रिलेशन होता है दिन से, वो एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी जो विपरीत रिलेशन होता है वो क्षमता और दिन का हो। यहाँ पर बात कर रहा है कि ए बी सी की क्षमताएं दे रखी हैं 3, 4, 5 की, तीनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए जो क्षमताएं हैं वो कितनी हैं, क्षमता मतलब इफिशियंसी, उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो है 3, 4 और 5 का, वो भी ए बी और सी के लिए। तो यहाँ पर बात करें अगर इसमें रिलेशन की, तो हम जानते हैं कि E1 D1 = E2 D2, पहले की क्षमता पहले दिन, दूसरे की क्षमता दूसरे वाले दिन। तो ये क्षमता में एक रिलेशन पाया जाता है जो E1 D1 = E2 D2 के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। पहले कह रहा है कि तीनों मिलकर 60 दिन में करते हैं, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो काम 60 दिन में होता है। वहीं बात करें अगर ए अकेला संपूर्ण कार्य को, तो कह रहा है एक अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा पूछ रहा, ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा पूछ रहा। अब आपको पता है ना ए बी सी के वैल्यू, ए बी सी की क्षमताओं के मान तो आपको पता ही है, यही मान उठा के रख दीजिए। तीनों मिलकर अर्थात तीनों की क्षमता, एक की क्षमता 3 है 4 है और 5, तीनों मिल जाते हैं तो काम 60 दिन में होता है। वहीं ए अकेला एक ही क्षमता 3 है और वो कितने दिन में करेगा ये पूछा, और वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ बात करें अगर तीनों को जोड़ने की, तो तीनों जोड़ लीजिए, 3 और 4 7 और 5 12, तीनों की क्षमताएं जोड़ के 12 हो जाएंगी और वो 60 दिन में करते हैं। जिसकी क्षमता 3 है वो कितने दिन में करेगा, तो 3 से काटो तो 20 12 दूनी 24, 240 दिन में कर लेंगे। वो कितने दिन में कर पाएगा, 240 दिन में कर पाएगा। ठीक है, पेपर में आप बिल्कुल ये प्रोसीजर फॉलो ना करें, यहाँ पर आप डायरेक्ट देख के ही लगाएं कि यहाँ तीनों मिलकर 60 दिन में करते हैं,
तो तीनों की क्षमताओं को आप ऐड कर लें। यहाँ पर 3 और 4 7 और 5 12, जिसकी क्षमता 12 है वो 60 दिन में करता है। मेरा ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है, वो कितने दिन में करेगा पूछा जा रहा है। 3 से काट देते 20 और 12 दूनी 24, 240 दिन में आ जाए, 240 दिन में आ जाए। तो इस प्रकार आप कुछ निकाल सकते हो कि यहाँ पर कितने दिन लगेंगे। ये एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने तुम्हें बताया। बाकी अगर आप इसको सीख जाते हैं तो डायरेक्ट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर जो है सेकंडों में आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि यहाँ पर 2 मजदूर जिनकी क्षमताओं में 5:7 का अनुपात है, दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन करेगा। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी क्षमताएं दे रखी हैं ए और बी की। तो यहाँ पर जो क्षमता दे रखी है वो ए और बी की कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है 5:7। ये ए की क्षमता है और ये बी की, ए और बी की क्षमता 5:7 के अनुपात में है, दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो बी अकेला। अब बताओ कि ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो काम जो है वो 35 दिन में होता है। और ये बात कहां से समझ में आई कि E1 D1 बराबर E2 D2, पहले की क्षमता और पहले वाले दिन, दूसरे वाली क्षमता दूसरे वाले दिन, पहले क्षमता दोनों की दे रखी है और वो 35 दिन में करते हैं। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा ये बता दो, बी अकेला कितने दिन में करेगा ये बता दीजिए। तो बताओ कि यहां पर बी का मान निकालना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए और बी की क्षमता जोड़ लो, 7 और 5 12, जब क्षमता 12 होगी तो काम 35 दिन में होगा, और जब क्षमता बी की रखेंगे यानी क्षमता 7 की रखेंगे तो कितने दिन में होगा, ये वैल्यू निकालना है कि कितने दिन में होगा। तो 7 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, तो उनको कितने दिन लगने चाहिए, 60 दिन लगने। तो अगर कभी क्षमता का मान डायरेक्ट दे रखा हो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीजों को बना सकते हो। नेक्स्ट है, अगला बताइए, देखे जो वैल्यू दे रखा है ए बी सी की क्षमताओं का वो है 4, 5, 6 का। यदि ए अकेला कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकता है तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन, ये सेम वही बात दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है पूछने का तरीका बदल दिया गया। कह रहा है ए बी सी की क्षमताएं दे रखी हैं, ए अकेला करता है किसी काम को 45 दिन, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। और बात वही है कि E1 D1 बराबर E2 D2, पहले वाली क्षमता पहले वाले दिन, दूसरे वाली क्षमता दूसरे। यहां पर की जो क्षमता दे रखी है वो दे रखी है 4, 5, 6, तो A का मान कितना है 4, वो करता है 45 दिन में, तो सबकी क्षमताएं जोड़ के कितना हो जाएगा, 4, 5, 9 और 6 15। जब क्षमता 15 रही होगी तीनों की तो कितने दिन में करेंगे, तो 15 × 45, 4 × 12 दिन, तो उनको 12 दिन का समय लगना चाहिए था, जो बिल्कुल सही था। अगली बात करें यहाँ पर, तो यहाँ बात कर रहा है ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 गुना है और बी की क्षमता सी की क्षमता का 5/6 गुना है। यदि ए अकेला किसी काम को 1/2 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए अकेला 1/2 दिन में कर सकता है,
यहाँ पर बात जो लिखी हुई है वो ये है कि 21 सही 1/2 दिन में कर सकता। ठीक है भाई, 21 सही 1/2 दिन में कर सकता है, तो फिर तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसा पूछा गया है। ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 गुनी। तो देखो क्षमता का रिलेशन निकालने के लिए आपको पता होगा कि ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 गुना, तो इसको तो हम ए बटा बी बराबर 2/3 लिख सकते। वहीं पर बी की क्षमता सी की क्षमता का 5/6 गुना है, तो बी बटा सी लिख सकते हो 5/6। तो जब तक आप इसका कंबाइंड रिलेशन नहीं बनाओगे आप इसका मान नहीं निकाल पाओगे। तो इसको कंबाइंड करिए, ए बी सी तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि 2 और 3 का रिलेशन ए बी का है और 5 और 6 का रिलेशन बी सी। तो यहां पर आप इसको कंबाइंड कैसे करते हैं कि 3 का पड़ोसी 3 भर देंगे, 5 का पड़ोसी 5। तो यहाँ इसका अगर गुणा करेंगे तो 6 3 18, 5 3 15 और यहाँ पर 5 2 10 हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ बात करेंगे कि जो इवन डीवन कांसेप्ट है बराबर E2D2 का कांसेप्ट है, इसमें आप मान रखिए। और कह जा रहा है कि वो कह रहा है कि यहाँ पर ए अकेला किसी काम को 21 सही 1/2 दिन में, तो यहाँ ए अकेला किसी काम को 21 × 42 और 43/2 दिन में करता है। तो वही बात कर रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा, ये बात कर रहा है। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी है, ए की जो इफिशियंसी है वो 10 है गुणा 43/2 दिन में, वही बात कर रहे हैं सबको जोड़ने की। तो यहाँ से यहाँ तक सबका जोड़ कितना हो जाएगा, तो 10 10 20 10 30 8 5 13 43 हो जाएगा। तो 43 क्षमता हो जाएगी तो काम कितने दिन, तो यहाँ 43 से 43 कट भी जाएंगे, 2 5 10 कट जाएगा, तो कितने दिन में काम होगा, 5 दिन में। अगर तीनों मिलके करेंगे तो उस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर वो तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो काम जो है वो कितने दिन में, 5 दिन में। यहाँ बात करेंगे अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है, बी की क्षमता सी की क्षमता से 20% कम है, ए और बी मिलके 18 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे काम को। तो इस प्रकार से आपको इसको समझ के चलना है। तो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं क्षमता बनाने की, लेकिन वो क्षमताएं आपकी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम ए बी सी को कन्वर्ट करके देखें तो आप कहेंगे कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है। अगर बी का मान 100 रहा होगा तो ये 25% ज्यादा रहा होगा, 125 रहा होगा। और अगर ये मान कह रहा है कि बी की क्षमता सी की क्षमता से 20% कम है, अगर सी की क्षमता 100 रही होगी तो ये 80 रही होगी, 20% कम रही होगी भाई।
तो अगर इन वैल्यू को हम छोटा करना चाहें तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा, दो चौक 8 और दो पंजे। देखिए बी का मान 4 दोनों जगह है, इसमें मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर 5 ए का मान हो जाएगा, बी का मान 4 है ही और ये 5 इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा वो 5 4 5 का आ जाएगा। एबीसी का जो रेशियो आ जाएगा वो 5 4 5 का आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ए और बी और सी के मान आ गए आपके क्षमता में, ये आपकी क्षमताएं बन गई। तो जो इफिशियंसी बनी है उनके हिसाब से देखा जाए तो आपका क्या फार्मूला यूज करते थे, E1 D1 बराबर E2 और D2। यहाँ पर बात कर रहा है वो कि जो दो लोग मिलके काम करते हैं ए और बी, वो 18 दिन में करते हैं, अर्थात ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में। वही बात कर रहा है ए प्लस सी की, ए प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे ये बात कर रहा है। तो A प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे ये बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप करिए A प्लस बी का मान रखिए, यानी 5 और 4 9। जब क्षमता 9 होगी तो 18 दिन में काम। वहीं A प्लस सी 5 और 5 10, जब क्षमता 10 रही होगी तो काम कितने दिन में हुआ होगा ये बात कर। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 9 8 72 और 9 1 9 7 16 और बटे में 10, यानी इतने दिन की बात आ जाएगी। 162 बटे 10 दिन में ये काम समाप्त हुआ होगा भाई, और ये बिल्कुल सही बात है कि इसको हम 162 बटे 10 को या तो ऐसे लिखें या तो फिर हम ये दशमलव लगा के लिख दें तो 16.2 बिल्कुल सही बात हो जाएगी। और यहाँ पर जो मान निकाला गया है वो आपका इवन इवन से निकाला। तो देखिए अगले वाले सवाल में 3 की बजाय 4 व्यक्ति दे रखे हैं। अगले वाले प्रश्न में 3 व्यक्तियों की बजाय 4 व्यक्ति दे रखे हैं और चारों की क्षमताएं दे रखी हैं। ए बी सी डी की क्षमताओं में 2 3 4 5 का अनुपात कह रहा है कि ए और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो बी और डी मिलकर काम को कितने। तो सबसे पहली बात तो यही है कि E1 D1 के हिसाब से, E2 D2 के हिसाब से आपको चीजें देख के चलनी है। तो बात करें अगर, तो पहले व्यक्ति जिसमें बात कर रहा है A और C मिलके, A प्लस C ये किसी काम को 24 दिन में कर। फिर बात कर रहा है B और D, तो B प्लस D मिलके कितने दिन में करेंगे। अच्छा यहाँ पर ए बी सी डी इनका डायरेक्ट जो रेशियो दे रखा है क्षमता का वो 2 3 4 और 5 का। यहाँ बात कर रहा है ए और सी की, अर्थात 4 और 2 6 6 क्षमता हो जाएगी तो 24 दिन में काम होगा। वहीं बी और डी यानी 5 और 3 8 क्षमता हो जाएगी तो काम। तो यहाँ पर 8 से काटोगे, 8 3 24 6 3 18 दिन में, 18 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो क्षमता से रिलेटिव सवाल होते थे वो किस प्रकार, ए बी सी की क्षमताओं में 4 5 2 का अनुपात है, ए किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 22 दिन में कर लेता, तो बताइए तीनों मिलकर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य कितने दिन समाप्त कर लेंगे ऐसा बताना है। तो देखिए भाई यहाँ पर बात कर रहा है ए बी सी की क्षमताओं की, तो यहाँ वही बात है कि E1 D1 बराबर E2 D2 ये तो लगाते थे हम, लेकिन इसमें साथ साथ में घंटे हैं तो H1 और लगा दो और H2 और लगा दो। देखिए जो पूरा फार्मूला लिखाया था वो यही था, M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। यहाँ बात कर रहे थे हम इस बड़े से फार्मूले की, इसमें से केबल और केबल
तीन चीजें अब यूज होने लगी, वो है एच वन, ई वन, डी वन, और भी चीजें यूज हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं हम कि कह रहा है ए किसी काम को 8 घंटे प्रति दिन के 22 दिन में कर लेता। अच्छा, ए बी सी की क्षमताओं में जो रेशियो है वो कितना है, वो है 4, 5 और 2 का है। तो यहाँ पर तो ये बात कर रहा है कौन, ए कर रहा है किसी काम को, तो ए की क्षमता कितनी है, 4 है, और वो 8 घंटे काम करता है और वो 22 दिन में कर लेता है। दूसरी बार में तीनों मिलकर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, तीनों को मिला देंगे, तो यहाँ पर 4 और 5 9 और 2 11, जब क्षमता 11 हो जाएगी और 5 घंटे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे, जब क्षमता 11 हो जाए और 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे, ये बात कर रहा है भाई। तो 11 दूनी 22 कट जाएंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 8 64 और 64/5, इतने दिन में ये काम कर लेंगे और ये बिल्कुल बात सही हो जाएगी कि 64/5 दिन में इनका काम समाप्त हो जाएगा अगर वो इस प्रकार से काम करते हैं तो। अगर वो इसके प्रकार से काम करते हैं तो उनका 64/ कितना दिन लग जाएगा, यहाँ पर 5 दिन लग जाएगा, ठीक है भाई, 64/5 दिन लग जाएगा। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको आप खुद से लगा के देख सकते हैं और ये इस प्रकार से ही आपका सवाल बन जाए। यहाँ बात करें अगला वाला टॉपिक, अगला टॉपिक है कि जोड़े पर आधारित प्रश्न, है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक डाल लेंगे और टॉपिक है जोड़े पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर दो दो का कंबाइंड जोड़ा दे रखा होगा और उस पर आधारित प्रश्नों की बात कर रहे होंगे। तो दो दो के जोड़े पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर जो जोड़े बन रहे हैं वो किस प्रकार से दिखाते हैं। एक बात तो आपकी ये हो जाएगी कि यहाँ पर A प्लस बी मिलके किसी कार्य को 72 दिन में, B प्लस सी 60 दिन में और सी प्लस ए यानी दो लोग 90 दिन में काम को कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे अगर कह रहा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पर A प्लस बी दो लोग जब काम करते हैं तो काम हो जाता है 72 दिन, वहीं पर B प्लस सी दो लोग काम करते हैं तो काम हो जाता है आपका 60 दिन, और C प्लस ए अगर ये दोनों व्यक्ति काम करते हैं तो 90 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर दो दो का जोड़ा दे रखा है, इसना कहना दो दो का जोड़ा दे रखा है। तो यहाँ पर जो दो दो के जोड़े पर आधारित प्रश्न रहेंगे उनका आपको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर आपको जो मान लिखना है वो इनका टोटल वर्क लिखना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 72, 60 और 90 से कटने वाली एक संख्या अगर ढूंढेंगे तो वो मान लो 360 मिली। वो कितनी संख्या मिली है, 360 मिली है, और यहाँ 360 को अगर इनकी क्षमताओं में रिलेशन निकालेंगे, आप कहेंगे कि सर क्षमताओं में रिलेशन जो होता है वो 72 पंजे होता है, देखो 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36 और 6 छंग 36 और 9 चौक 36। तो यहाँ पर जो क्षमताएं आ जाएंगी, इफिशियंसी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, और ये दे रखे थे दिन, तो यहाँ पर क्षमता आ जाएंगी वो कितनी आ जाएगी, 5, 6 और कितना 4। अगर इनकी क्षमताओं में हम टोटल ए बी सी की क्षमता निकालें तो कैसे, ए और ए जोड़ेंगे तो 2A, बी और बी जोड़ेंगे 2B और सी सी जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा, ए ए 2A, बी बी 2B, सी सी 2C और इधर आप टोटल जोड़ेंगे तो इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, 5, 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएंगी। क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और यहाँ दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A प्लस बी प्लस सी बराबर बचेगा 15। अगर हम A प्लस बी प्लस सी का मान निकालें तो 2 7 14 और 2 5, तो
यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना करना है 360 और टोटल क्षमता कितनी रखनी है ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 की। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां का अगर दशमलव हटाएंगे यहां जीरो बढ़ाएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इसको अगर काटना चाहेंगे तो इसको हम 36 गुणा 100 लिखेंगे और यहां 75, तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100 और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 × 4 = 48। तो यहां पर 48 दिन इसका सही उत्तर आ जाएगा। कितने दिन में तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो उस काम को 48 दिन में कर लेंगे, तो उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे 48 दिन में कर लेंगे। वहीं पर अगर इस सवाल को हमें बहुत इतना प्रोसीजर फॉलो नहीं करना हो और जल्दबाजी में थोड़ा सा सवाल को करना हो तो यहां पर देख लीजिए, फिर आप इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार भी कर सकते थे कि यहां से थोड़ा सा मान हम हटा दें तो यहां पर इतना तो वैसे ही निकालना पड़ेगा आपको कि ए बी सी की क्षमताएं कितनी होती। तो ए बी सी की क्षमताएं अगर यहां देखेंगे तो यहां देख लो सब जोड़े में है तो सब दो के मान है 2a 2b 2c, और यहां जोड़ोगे तो ये 15 हो जाएगा। तो यहां एक ए बी सी का मान कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो 360 काम करना है, 7.5 के हिसाब से करना है, तो इसको काटोगे तो 48 दिन। तो इस हिसाब से आप तीनों का मान बिल्कुल निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर बात करें मेथड टू की, अगर इसमें मेथड टू अप्लाई करना चाहो तो देखिए एक तरीका होता है 1/2 1/d1 1/d2 1/d3 इनका उल्टा, इसका जो मान आए उसका उल्टा कर देना तो ये भी आपका उत्तर बताने लगेगा। तो इससे भी आप तीनों मिलकर आ जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 1/2 1/d1 d1 की वैल्यू 72 है प्लस 1/d2 इसकी वैल्यू 60, 1/d3 और इसकी वैल्यू, तो 1/2 इनका एलसीएम 360 आ जाएगा। 72 पंजे हो जाएगा, 6 × 36, 9 × 36। यहां बात करें ऊपर 6 × 4 = 10, 5 = 15 हो जाएगा और नीचे 2 × 360 हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं कि 15 × 30 = 15, 15 × 60 यानी 1/24 × 48, 1/48 का उल्टा क्या उत्तर होगा 48 दिन, 48 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से भी आप बिल्कुल कर सकते हो कि या तो मेथड 1 से करिए आप सवाल को या मेथड 2 से करिए। और इसमें बेसिकली की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या कभी कभार बनता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला कितने दिन करेगा, या सी अकेला कितने दिन करेगा। तो या तो आप अकेले के हिसाब से प्रश्न को देख पाएंगे या आप तीनों मिलकर। तो अगला प्रश्न देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 18 दिन में और ए प्लस सी मिलकर 20 दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ये भी जोड़े पर आधारित प्रश्न है और इसमें भी आप बताएंगे कितना आ जाएगा, इसमें भी आप निकाल के बताएंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम ए प्लस बी, ये दो व्यक्ति हैं ए प्लस बी, ये किसी काम को करते हैं मान लो 15 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 18 दिन में, सी प्लस ए काम को करते हैं यहां पर 20 दिन। यहां इसका एलसीएम ले लिया जाए 180, तो 15 × 12 × 180, 18 × 57 और 2 × 18। यहां पर बात करें
अगर तीनों मिलकर करने की, अभी बताया था ये सब जोड़े में है तो दो में है, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 31, यहाँ 9 2 11 31 मान आ जाएगा। काम कितना करना है 180, और दो से इसको काटेंगे तो इसके बटे में दो चला जाएगा, तो 31 बटे दो क्षमता से करना है, तो 31 बटे दो क्षमता लगाओगे तो दो ऊपर चला जाएगा, यानी 180 गुणा 2 बटे 31, तो 18 दूनी 36 360 बटे 31, इतना जो है आपका दिन लग जाएगा तीनों को मिलकर। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को जो कर सकते हैं वो 360 बटे 31 दिन में काम को कर सकते हैं। यहाँ अगले सवाल की बात करें तो ए भी किसी काम को 72 60 दिन में, हाँ यहाँ बात कर रहा है कि ए अकेला कितने दिन, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ए अकेला, देखो प्रश्न तो पहले जैसा ही है लेकिन ए अकेले की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ए अकेले की, तो ए प्लस बी इनका कितना आया था, तो यहाँ 72 दिन में, और बी प्लस सी इनका कर रहे करेंगे तो 60 दिन में, सी प्लस ए इन दोनों का मान जो आया था वो 90 दिन में। यहाँ इनका एलसीएम 360 आया था और यहाँ पर 72 पंजे 6 छंग 36 9 चौक 36। यहाँ पर बात करेंगे ए अकेला, तो हमने क्या निकाला था, 2 कॉमन लिया था, अगर ए प्लस बी प्लस सी ये दिनों का मान कितना आया था, 6 4 10 5 15 आया था, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया था, तो यहाँ 7.5 आ जाएगा अगर दो से काटोगे तो। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 7.5 है, लेकिन बात तो केवल ए की कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, केवल ए, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से किसका मान रख दिया जाए, बी प्लस सी का मान रख दिया, इसकी क्षमता को रख दिया जाए बी प्लस सी, तो ए प्लस ए का मान निकालना है तो बी प्लस सी का, अच्छा बी प्लस सी का मान दे कितना रखा है 6, बी प्लस सी की क्षमता 6 है तो 7.5 हो जाए, को उधर भेज दीजिए तो a बराबर 7.5 माइनस 6 तो 1.5, तो अकेले a की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1.5, तो अकेले a की क्षमता जब निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगी। अब वही काम कराना है a के द्वारा, a कैन, तो ये 360 वर्क ही करना है लेकिन a इसका मतलब 1.5 क्षमता से करना है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, तो 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी 240 दिन, कितना दिन आ जाएगा भाई 240 दिन। तो यहां से आप देखेंगे ए का भी निकाला था, इसी प्रकार से आप बी का निकाल सकते हो और इसी प्रकार से आप सी का भी निकाल, अगर आप बी का निकालोगे तो ए और सी का मान रखोगे, अगर सी का निकालोगे तो यहाँ से ए और बी का मान रखोगे, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा काम कर सकते थे और वो क्या है, देखिए भाई यहाँ तक तो आपको वैसे ही चीजें समझनी है, लेकिन एक छोटा सा काम करके इस सवाल को छोटा कर सकते थे, तो वो देख लीजिए आप बहुत ध्यान से। कि ए का मान पूछा गया है कि ए कितने दिन में कर सकता है, ए का वैल्यू निकालना है, ए कैन, अभी आप ए का ही निकाल रहे हैं, हम बी और सी का भी निकाल के देख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप ये करिए कि ए ए वाले जोड़ के दूसरा वाला घटा दीजिए, इसमें क्या है कि जिन जिन जोड़ों में ए आया हो उनको जोड़ के दूसरा वाला घटा दो, तो हमारे कौन कौन से जोड़े में, देखो शुरुआत वाले और आखिर वाले में ए आया है तो 5 और 4 9 और 9 में से 6 घटा दो, तो इसको इसको जोड़ के 6 वाला घटा दो तो कितना बचेगा, केवल ए का मान निकालना है, ए की क्षमता निकालनी है, तो 5 4 9 9 में से 6 गया 3 और जो बचे उसका आधा कर देना, ए की डायरेक्ट क्षमता आ जाएगी, ए की डायरेक्ट क्षमता आ जाएगी 1.5, तो बताओ 360 काम करना है 1.5 से तो वही आ जाएगा 240। अच्छा आप लोग यहाँ पर ए का अगर मान निकाल सकते थे तो बी का भी निकाल सकते, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी,
जिनमें बी बी वाला है उनको जोड़ लो, दूसरा वाला घटा दो। जैसे 6 और 5 11, और यहाँ 4, अगर 6 में से 4 गया 2 5 2 7। अगर आप ऐसे घटाना चाहो तो ऐसे भी घटा सकते हो, वरना 6 और 5 11 जोड़ के 4 घटा दोगे 7 बचेगा। 7 का आधा करोगे तो 2 3 6 दशमलव 3 दशमलव 5 आएगा। वहीं सी का मान निकालना हो तो सी सी वाले जोड़ लो, दूसरा घटा दो। तो सी सी वाले जोड़ोगे तो 6 और 4 10, और 10 में से 5 जाएगा 5, 5 का आधा करोगे तो 2.5। तो आपको अगर पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है और आपको बहुत आसानी से अगर एबीसी के मान निकालने हैं तो ये तरीका बिल्कुल सही है, और इससे आप बिल्कुल आसानी से एबीसी के मान निकाल सकते हो। तो देखिए भाई अगले सवाल में क्या, अरे ए बी किसी काम को 40 दिन में, बी सी किसी काम को 30 दिन में, सी ए किसी काम को 25 दिन में, तो बी अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, 40 दिन में कर सकता है, 40 30 और 25 कितना दे रखा है, 40 30 और 25 दिन में। तो यहां पर इनका लेंगे हम एलसीएम, तो यहां पर ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी प्लस ए उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम किसी के बराबर मानिए कोई संख्या हो जो कटती हो, तो यहां पर हम वो संख्या कितनी मान लेंगे, 600 मान ली। तो यहाँ पर अगर हम काटना चाहें तो काटिए, फिर कितना बनेगा, 4 से काटेंगे तो 0 0 15 4 60, यहाँ पर काटेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, और यहाँ काटोगे तो 25 2 50 और 25 4 100 24 आ जाएगा। तो यहाँ बात कर रहा है कि वी अकेला कितने दिन में करेगा, यहाँ बात कर रहा है कि वी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो वी की क्षमता निकाल लो, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी। तो बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करते थे, अभी बताया था कि बी बी वाले जोड़ लो, दूसरा वाला घटा दो। तो बी बी वाले जोड़ के दूसरा वाला घटाएंगे तो यहाँ इनको जोड़ लिया जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 20 और 10 30 और 5 35 हो जाएगा, और 35 में से 24 घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, और जो आता है उसका बटे में 2 कर दोगे तो यहाँ 2 5 10 और 2 5 10 यानी 5.5 हो जाए। तो काम कितना करना है, 600, और बी के द्वारा करना है, तो बी किसी काम का 600 काम है और स्पीड रखनी है 5.5। तो 6000/5 से काट लो तो 11 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 2 10 1200/11 कितना आ जाएगा, 1200/11 इतना दिन लग जाएगा केवल बी को। तो बात करें अगर क्षमता निकालने की, तो क्षमता तो बहुत आसानी से निकाल सकते थे भाई, कि यहाँ पर अगर ए की क्षमता पूछी जाती तो भी निकाल लेते, बी की पूछी जाती तब भी निकाल लेते, और सी की पूछी जाती तो भी निकाल लेते। निकालने का तरीका वही है, निकालने का तरीका वही है जैसा बताया गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि यहाँ पर ए बी सी की क्षमताएं निकालकर आप बिल्कुल इस सवाल को कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अब इसको जो है कर लेना, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बात करें, अगला जो टॉपिक आता है, दोनों मिलकर कार्य शुरू कर दें, एक ए कितने दिनों पश्चात कार्य छोड़कर चला जाए ताकि शेष बचे काम को बी 20 दिनों में समाप्त कर ले। देखिए यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एकांतर क्रम में कार्य, एकांतर क्रम में कार्य। ठीक है, ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है एकांतर क्रम में कार्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें एकांतर क्रम में कार्य की, तो यहां पर जो व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं, अगर वो एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब ए ने काम किया होगा तो बी ने नहीं किया होगा, फिर दूसरे दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन दोबारा से ए आता है,
फिर अगले दिन बी आता है, तो इस प्रकार एक एक दिन छोड़कर कार्य होने लगता है। ऐसी कंडीशन में प्रश्नों को किस प्रकार से डील किया जाता है उस पर बात करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है ए और बी क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 60 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। और यहां बात करेंगे 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 की, तो इनकी क्षमताओं में जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2:3 का आ जाएगा। क्षमता में जो रेशियो आ जाएगा वो 2:3 का आ जाएगा। तो यहां पर ए 20 दिन में, बी 30 दिन में इनकी क्षमताओं का आ जाएगा। देखिए काम करना है एक एक दिन छोड़ के, और यहां पर काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि काम को ए प्रारंभ करता है, ए ने किया होगा एक दिन काम। फिर अगले दिन बी आया होगा, बी ने एक दिन काम किया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, इस प्रकार से काम हो रहा है। तो देखिए एक दिन ए का काम, एक दिन बी का काम, यहां पर 2 दिन में लग गए। यहां पर कितने दिन लग गए, 2 दिन। 2 दिन में यहां वर्क कितना हो पाया, इसने एक दिन में 3 काम किया, इसने 2 काम किया, तो 5 ही काम हो पाया। कितना काम हो पाया, 5 काम हो पाया और 2 दिन लग गए। काम को 60 तक ले जाना है, 5 के पहाड़ी में, 5 के जो पहाड़ा है उसमें 60 कहां पे आता है, तो आप कहेंगे 12 से गुणा कर दो, तो काम 60, 12 × 5 = 60। 5 5 के पेयर में काम कर रहे हैं तो 12 × 5 = 60 दिन। जब 12 दिन इधर 12 से गुणा इधर किया है क्षमता में, तो दिन में भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 × 2 = 24। तो 24 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 24 दिन आ जाएगा, और 24 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। 24 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां बात करें अगले प्रश्न की, अगले में क्या दे रखा है, 20 दिन में कर सकता है और 40 दिन में कर सकता है। एक एक दिन काम छोड़ के करते हैं काम कितने, ए ने शुरू किया है काम, तो देखिए ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम भी 40 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम भी 40 हो जाएगा। तो यहां पर 20 × 40, 40 × 1 = 40। दो ही आदमी है, छोड़ छोड़ काम करते हैं एक एक दिन, तो यहां 2 दिन में, 2 days, 2 दिन में काम 3 हो पाया है। अब 3 3 के पेयर में 40 काम करना है, 3 3 के पेयर में 40 काम पूरा कंप्लीट करना है, तो किस हिसाब से करेंगे। देखिए 40 तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन 40 से थोड़ा कम तक जाइए, तो 13 से अगर गुणा करें तो 13 × 3 = 39 काम पेयर में हो जाएगा। यहां भी 13 से गुणा कर दो, 13 × 2 = 26। भाई 26 दिन लग गए तो काम कितना हो पाया, 39। 26 दिन लग गए तो काम 39 हो पाया, तो शेष काम अभी कितना बचा है, शेष कार्य कितना बचा है। टोटल 40 काम करना था, 39 हो गया, तो 1 बचा है। अब 1 काम को जिसने शुरू किया वही करने आएगा, ए ने शुरू किया था तो ए ही करने आएगा, और ए करने आएगा, ए की क्षमता कितनी है, 2। तो 1 काम 2 की स्पीड से करने आएगा, तो ए अगला व्यक्ति ए आएगा, तो 1 काम है और 2 की स्पीड से 1/2 दिन और लग जाएंगे। तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, कुल दिन लग जाएंगे 26 सही 1/2 दिन, 26 सही 1/2 दिन लग जाएंगे। तो बताओ भाई शेष काम निकाल के ये देखेंगे कि कौन करने आ रहा है, और जो करने आ रहा है वो व्यक्ति से काम करवा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 26 सही 2/3 दिन, 1/2 दिन। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो 2 मजदूर किसी काम को 30 दिन और 10 दिन में समाप्त करते हैं, एक एक दिन काम छोड़ के करते हैं कितने, जबकि वी ने शुरू किया है। काम शुरू करने वाला कौन है भाई, वी है। काम शुरू करने वाला अगर वी व्यक्ति है तो आप देखेंगे कि यहां पर ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 10 दिन में। एलसीएम भी 30 हो जाएगा, 30 एकम 30, 10 तीया 30। यहां बात करेंगे
दिन में, एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, तो यहां 2 दिन का काम आ जाएगा, और यहां 3 काम हुआ था, 1 काम यानी 4 काम हुआ। 4 के पहाड़े में 30 काम कराना है, तो यहां पर 4 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता, लेकिन 4 × 7 = 28 जरूर आता है। तो यहां भी 7 से गुणा कर दो, तो 7 × 2 = 14 दिन, 14 दिन में काम जो हुआ है वो 28 हुआ है। 30 काम करना था, 28 काम पेयर में हो गया है, तो यहां पर शेष काम कितना बचा, तो शेष बचा काम बचेगा आपका, वो बचेगा कौन सा, 2 काम बचेगा, लेकिन बी ने शुरू किया था, तो करने भी शेष काम को करना भी बी ही आएगा। कौन आएगा, ये काम करने के लिए बी आएगा, तो 2/बी की क्षमता कितनी है, 2 की बी की क्षमता कितनी है, 3, 3 की स्पीड से करेगा तो 2/3 दिन और लग जाएगा। तो यहाँ 14 पहले लगा हुआ था प्लस 2/3 दिन और लग जाएगा, तो यहाँ पर 14 सही, 2/3 दिन, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि 14 सही, 2/3 दिन लग गया। तो यहाँ पर 14 सही, 2/3 दिन जो लगा हुआ है वो आपका किस प्रकार से लगा हुआ है, शेष दिन के हिसाब से। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, कार्य कुल ए ने प्रारंभ किया है काम, तो ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर, इनका एलसीएम हो जाएगा 24, 8 × 3 = 24, 6 × 6 = 24। तो यहां पर ये जो काम हुआ है वो देख लीजिए, 2 दिन में जो काम हुआ है वो 7 हुआ है, 2 दिन में 7 काम हुआ है, तो काम करना है 24, 7 के पेयर में 24 काम करना है, तो 7 × 3 = 21 काम तो हो जाएगा, जबकि 3 से गुणा करोगे 6 दिन लग जाएंगे, 6 दिन में 21 काम हुआ है, तो शेष काम कौन करेगा, शेष बचेगा काम 4 में से 1 गया 3, और करने वाला ए आएगा, करने वाला ए आएगा, तो 24, देखो ए की स्पीड कितनी है, 3, 3 काम बचा है, 3 की स्पीड से 1 दिन में हो जाएगा, 3 काम बचा है और 1 3 की स्पीड रखनी है, तो 1 दिन में हो जाएगा, तो 6 दिन पहले के लगे थे, 1 दिन और लग जाएगा, तो कितने, 7 दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन, 7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये किसी काम को कितने दिन में कर लेगा, अब 7 दिन इसके लग जाएंगे, और 7 दिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, तो ये 7 डेज हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 मजदूर किसी कार्य को 30 दिन और 10 दिन में शुरू करते हैं, तो यहां पर दोनों एक एक दिन काम छोड़ के करते हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा काम, ये बात करनी है आपको। और जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है, तो यहां पर जो काम करना है वो ए प्रारंभ करता है, तो देखिए ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में, एलसीएम तो 30 ही आ जाएगा, 30 × 1 = 30 और 10 × 3 = 30। यहां पर जो 2 दिन में काम हुआ है वो कितना हुआ है, 4 काम हुआ है, काम 30 करना है, तो यहां पर 7 से गुणा करके 28 काम कंप्लीट कर दो पेयर में। पेयर में कितना काम हो जाएगा, 4 × 4 के पेयर में 7 × 6 = 28 काम हो जाएगा, तो 7 से गुणा इधर भी कर दो, 14 दिन, 14 दिन लग गए और 28 काम हो गया। शेष अब भी काम बचा हुआ है, तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष कार्य बचा हुआ है कितना, 2। अब बताइए 2 काम को करने के लिए कौन आएगा, जिसने शुरू किया होगा, ए आएगा। अब देखो यहां पर अगले दिन जब ए आएगा, तो ए एक दिन में, ए का 1 दिन का काम, वो 1 दिन में एक ही काम करता है, तो 1 दिन काम करेगा, लेकिन 2 में से 1 ही काम कर पाएगा और 1 दिन भी लग जाएगा, ये ए आया था। अब भी काम शेष बचा हुआ है 1, अब भी काम बचा हुआ है शेष काम 1,
शेष कार्य अब भी एक बचा हुआ है। अब ए ने तो अपना काम कर लिया एक, अब कौन करने आएगा? अब अगले दिन ए नहीं आएगा, अगले दिन बी आएगा। अब जो शेष काम बचा हुआ है इसको करने आएगा बी। अब बी जो आएगा वो एक काम तीन की स्पीड से 1/3 दिन में करेगा। वो कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा। तो देखो 1/3 दिन, अब बी आएगा वो 1/3 दिन और लगा देगा, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा? टोटल यहाँ जो लगेगा वो 14 और 1 15 सही 1/3 दिन। तो आपको समझ के चलना है कि अगर कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि दो की स्पीड, दो काम एक की स्पीड से 2 दिन काउंट कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। दो में से वो एक ही काम कर पाएगा और अब भी काम एक बचेगा और उसको करने के लिए फिर अगला व्यक्ति ही आएगा, जैसे कि वी आया है अगला व्यक्ति, तो वो जो आएगा वो व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य को कंप्लीट करेगा भाई। तो इस हिसाब से आपने देखा है एकांतर क्रम वाले सवालों को। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक थे। उसमें हम देखते हैं कि इफिशियंसी से रिलेटेड, यानी ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर हमने जोड़े पर आधारित सवाल देखे, फिर एकांतर क्रम में। आज इन तीन टॉपिकों पर सवाल देखे हैं और जो महत्वपूर्ण सवाल थे सारे कंप्लीट करा दिए गए। तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हम पढ़ाते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही रखिए और इसको देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।